पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। कोई खास वजह नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, मन उब गया है। वही शोर, आवाजें, घर थाना थाना घर घर थाना, मोर्चरी रंडी भड़वे लाशें, आए दिन अपने कमी से खून के धब्बों को धोना, कोई शिकायत नहीं है। अब मैं पुलिस की नौकरी की है तो इतना तो होगा ही। एक अजीब सा एहसास है मन में, अजीब सा, जैसे रोज नया दिन निकलता है। मैं वही पुराना, दुनिया वही पुरानी, सब वैसे ही चली जा रही। तो मैंने सोचा ये जो जिंदगी की गाड़ी चली जा रही है, मैं इसकी चेन खींचता हूं और उतर जाता हूं। तो क्या क्यों? 3 वजह। पहली, जो पिस्तौल हमें मिलती है उसमें जो गोली होती है वो 45 रुपए की होती है और सरकारी होती है। मैंने सोचा यार अपना सुकून खरीदने के लिए पब्लिक का पैसा क्यों वेस्ट करूं। दूसरी, मेरा असिस्टेंट है मुन्ना, उसके कुछ रिलेटिव आए हुए थे हरियाणा से और नेक्स्ट डे होली थी। मैंने सोचा यार अगर मैं मर जाता तो बेचारी की होली वेस्ट हो जाती। तीसरी, जैसे ही पिस्तौल की ठंडी ठंडी नली मैंने अपने माथे पे लगाई तो मेरा ध्यान गया खिड़की के बाहर। खिड़की के बाहर बहुत खूबसूरत सा इंद्रधनुष था। मैंने सोचा यार इतने खूबसूरत नजारे को देखते हुए तो मरा नहीं जा सकता, तो मैं उठा खिड़की बंद करने के लिए। जैसे ही खिड़की बंद करके मैं वापस आया तो मोमेंट चला गया, वो थॉट टूट गया। फिर मेरा मरने का दिल ही नहीं किया।